हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.7 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। अब ये फिगर आप देख रहे हैं, इसे मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है, कॉनिकल शेप का ये कोई बर्तन है। इसमें कितना लीटर, कितने लीटर इसके अंदर पानी या कोई भी मटेरियल आ सकता है, वो इसकी कैपेसिटी इन लीटर्स होगी। अब कैपेसिटी निकालने के लिए आपको पहले निकालना होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के अंदर ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ना, इसकी आपकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सिर्फ आपको एल दे रखा है, जिसे स्लांट हाइट बोलते हैं, और रेडियस दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी एच ही निकालनी पड़ेगी, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है ये निकालनी पड़ेगी। और हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और अंडर रूट। एल यानी कि स्लांट हाइट, आर मीन्स रेडियस। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर जो एल दे रखा है ये है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 25, 625, और 7 का स्क्वायर 7 7 49। ये वैल्यू माइनस करने पर आ जाती है 576। अब 576 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हम डिवीजन मेथड से कर देते हैं, डिवीजन मेथड से निकालना आसान रहेगा। 576 डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे से दो दो नंबर का पेयर बनता है इस तरह से, तो पीछे के दो नंबर का पेयर हो गया। आगे अगर एक नंबर ही बच जाता है तो फिर वही पेयर माना जाता है। अब 5 के नीचे मुझे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। 1 1 ज़ार 1 होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 3 3 ज़ार 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो मेरी बात बनेगी 2 2 ज़ार 4 पर। माइनस करता हूँ तो 1 आ गया, और ऊपर से ये 7 6, दोनों पूरा का पूरा पेयर उतरता है। अब यहाँ पे ये जो 2 है, 2 में 2 ही मुझे प्लस करना है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे एक सेम नंबर लेना है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 41 बन जाएगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो फिर 42 हो जाएगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे ऐसा नंबर लेना है ताकि 176 आ जाए, तो मेरी बात 4 पे बनेगी। जब मैं 4 ले लूँगा तो ये 44 बन जाएगा, तो मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये 176 आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। इसका स्क्वायर रूट आ गया 24, तो 24 सेंटीमीटर जो है वो इस कोन की हाइट है, तो हाइट होगी ये 24 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। अब कॉनिकल वेसल है तो कोन का वॉल्यूम लगेगा। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट। 1/3 की जगह 1/3 लेंगे, पाई की जगह 22/7 लिया जाता है, और रेडियस यहाँ दिया हुआ है 7, तो 7 × 7, और हाइट हमने अभी अभी निकाली है 24। सॉल्व करते हैं, 3 और 24 कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। यहाँ पे 7 1 7 से कट रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। ऊपर जो वैल्यूज बच रही हैं ये हैं आपकी 22 7 और 8। 22 × 7 × 8 इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो ये 1 2 3 2 आ जाएगा, और वॉल्यूम निकला है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का क्यूब। अब वॉल्यूम निकलने के बाद हमें निकालनी है कैपेसिटी लीटर्स के अंदर, तो कैपेसिटी इसकी हो जाएगी, देखिए कैपेसिटी का रिलेशन ये होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है। अब मुझे ये सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर बनाना है तो इसे मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा सिंपली। तो ये जो मेरा वॉल्यूम आया है 1 2 3 2, इसे मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो लीटर में आ जाएगी। तो 3 0 है नीचे, तो पीछे से 3 नंबर छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो 1.232 ये लीटर्स आ गया। ये इस पार्ट का आंसर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी है, उसे भी करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपको रेडियस पता नहीं है, हाइट दे रखी है और स्लांट हाइट, ये दो हाइट दे रखी है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा ना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास रेडियस होना जरूरी है। तो पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस
परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर। यहां पे जो स्लांट हाइट दे रखी है यह है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर और हाइट दी हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, अंडर रूट, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आती है 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, तो 5 सेंटीमीटर तो आ गई है इसकी रेडियस। अब हम पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट, 1/3 पाई की जगह 22/7 लिया जाता है, रेडियस हमने अभी भी निकाला है 5 इंटू 5, और हाइट दे रखी है यहां पर 12 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, 3 1 3 3 4 12 हो गया, 7 कुछ कट नहीं रहा ऊपर से, तो सिंपली हम ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 5 5 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 हो गया, और ये नीचे 7 भी है, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मैं इसे यहाँ सॉल्व नहीं करता हूँ पूरा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम थोड़ी निकालना है, मुझे तो कैपेसिटी निकालनी है, तो डायरेक्ट इस वैल्यू को ही मैं आगे पुट कर लूँगा। तो कैपेसिटी निकालने के लिए अभी अभी जो हमने पीछे पार्ट में सीखा है वो ये कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है, तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू है इसे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें लीटर्स पता चल जाएंगे, तो 2200/7 इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10 से 10 कट गया, 10 से यहाँ पर ये वाला जीरो कट गया, ऊपर ऊपर वैल्यू बचती है 22/7 नीचे 70 हो गया। इसे मैं 2 से फिर से डिवाइड कर सकता हूँ दोनों को, इसे 2 से काटूंगा तो 11 आ गया, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 35 आ गया, तो यही मेरा लीटर्स है। इसे मैं चाहूँ तो यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, अगर चाहें तो इसे आप डिवाइड भी कर लें, 11 को जब 35 से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.31428, और यही आपके लीटर्स होंगे, तो कैपेसिटी इस वेसल की हो जाएगी इतने लीटर्स। क्वेश्चन खत्म, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।